त्योहारों के मौसम में पूरे देश में नवरात्र और रामलीला की धूम है। कुछ रामलीला अपने खास अंदाज की वजह से चर्चा का विषय बन जाती है। मोहाली की एक रामलीला में सभी किरदार महिलाएं निभाती है, इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। वहीं अलवर में पारसी शैली में रामलीला हो रही है। इस शैली में रामलीला की परंपरा 109 साल पुरानी बताई जाती है। पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में चले जाए, खाता हूं तेरे सामने सौगंध राम की। युद्ध कर रहे थे तो आपने मुझे दो वर देने को कहा था। रामलीला के इन कलाकारों ने अपने बेहतरीन अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया। हम वह नहीं हैं जो अपनी बात से मुकर जाएं। लेकिन मोहाली की इस रामलीला की खूबी सिर्फ अभिनय ही नहीं बल्कि इसके किरदार भी हैं। इस रामलीला में हर किरदार महिलाएं निभा रही हैं। जब नाव किनारे पर तो चल दी फिर तूफानों में। चाहे प्रभु श्री राम हो या लक्ष्मण, दशरथ हो या रावण, हर महिला कलाकार ने अपनी अदाकारी से किरदार में जान डाल दी है। दूषित हो रानी, क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, मांगो रानी। सच बताओ तो मुझे लगता है 90% लोग इसीलिए देखने आते हैं क्योंकि सारे किरदार महिलाओं ने निभाए हैं। और हमारा जो है सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है। हम स्टेज पे चढ़ते हैं, माथा टेक के चढ़ते हैं, पहले हमारी आरती होती है, उसके बाद ही हम सिस्टम में आते हैं। मैं पीछे 3 साल से कर रही हूँ, पीछे 2 साल भी मैंने ही राम जी का किरदार निभाया, तो मेरे लिए बहुत ही कंफर्टेबल है क्योंकि डायलॉग मुझे सारे याद है। ये कलाकार कई महीने पहले से ही रामलीला का रिहर्सल शुरू कर देते हैं। मंच पर रामलीला के मंचन से पहले इन कलाकारों के मेकअप में कई घंटे लग जाते हैं। इनकी कोशिश यही होती है कि ये रामलीला के हर प्रसंग को बेहतरीन ढंग से पेश करें। मुक्ति को पाएगा। राजस्थान के अलवर में हो रही इस रामलीला की भी अलग पहचान है। ये रामलीला बरसों पुरानी पारसी शैली में की जाती है। खास वेशभूषा, अलग तरह का श्रृंगार और डायलॉग बोलने का अनोखा अंदाज इसे दूसरी शैली से अलग करता है। भारत में पारसी शैली कलकत्ता के माध्यम से आई और कलकत्ता के साथ साथ देश के महानगरों में, यानी मैं अगर ये कहूँ कि राज कपूर के पिताजी पृथ्वीराज कपूर जी का जो स्टूडियो था मुंबई का, वो पारसी शैली का स्टूडियो, पुरानी पिक्चर जितनी भी दिखेंगी पारसी शैली में ही है। पारसी शैली का अभिप्राय है लक दक, तो उनकी ड्रेस बहुत महत्वपूर्ण कीमती, तो पोशाक और बहुत भारी मेकअप, कीमती मेकअप, और उसके साथ अपने मुंह से डायलॉग डिलीवरी ऊंची आवाज में, ये उसके प्रमुख लक्षण है। और चौथा लक्षण है पर्दे का गिरना और उठना। रामलीला के साथ ही यहाँ उज्जैन के राजा भर्तहरि का नाटक भी होता है। ये सिलसिला पिछले 109 साल से लगातार जारी है। रामलीला की पारसी शैली अब विलुप्त होती जा रही है, लेकिन अलवर इकलौता ऐसा शहर है जहां इस शैली को आज भी जीवित रखा गया है। अलवर से हिमांशु शर्मा के साथ मोहाली से ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सो सुन लो, कंपित मत होना, क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो वचन से विचलित मत होना।